ओप्पो F15 डिवाइस में कलर रेजोल्यूशन 0.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है FIPS 2001 NV1B_11_F.09 एंड इस अपडेट का OTA साइज 2.83 GB के आसपास में है। एंड इसी के साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा था कि आपने फोन में किसी भी बीटा अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कुछ बग इश्यू देखने को मिलेंगे एंड इसी के साथ ही साथ आपके डिवाइस में कुछ फीचर मिसिंग देखने को मिलेंगे एंड कुछ फीचर आपके डिवाइस में प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं करेंगे। बट इसी के साथ ही साथ एक फीचर मिसिंग देखने को मिलता है जो कि कलर रेजोल्यूशन 0.1 का फीचर है जिसका नाम है AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके रिलेटेड काफी सारे यूजर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई हमारे डिवाइस में ये फीचर फुल फीचर मिला नहीं। फुल फीचर मतलब हमारे डिवाइस में ओनली बैटरी डेट एंड टाइम फो हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद जब भी आप कांटेक्ट करते हैं ओप्पो इंडिया को तो वहां पे आपको बताया जाता है कि भैया मैं आपका कन्फर्म नोट कर रहा हूँ, मे भी आपके डिवाइस में इन फ्यूचर ये अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओप्पो की तरफ से। तो भैया आप भी इसका फीडबैक शेयर कर सकते हैं ओप्पो इंडिया को। एंड इसी के साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आपके फोन को एंड्रॉइड 11 बीटा अपडेट में इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में कौन से बग इश्यू देखने को मिले, मतलब आपके फोन में कौन कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिला, भाई आप में कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। क्योंकि जो भी आप फीडबैक शेयर करेंगे हमें, हम सेम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ओप्पो इंडिया को एंड मे बी अपकमिंग अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहा है वो सभी बग एंड इश्यू फिक्स कर दिया जाएगा ओप्पो की तरफ से। या फिर आप डायरेक्ट फीडबैक शेयर कर सकते हैं ओप्पो इंडिया को। आपको जाना होगा अपने फोन के डायलर में, वहां पे आपको टाइप करना है *800# एंड उसके बाद आपके डिवाइस में एक फीडबैक का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपके डिवाइस में सारा सब कुछ शो हो जाएगा एंड आपके फोन में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आप डायरेक्ट फीडबैक शेयर कर सकते हैं ओप्पो इंडिया को एंड आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहा है वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे AOD के बारे में काफी सारे कमेंट क्वेश्चन देखने को मिले थे तो भैया आप इसका फीडबैक शेयर कर सकते हैं ट्विटर पे एंड उसके बाद व्हाट्सएप चैट सपोर्ट। अगर आपका नंबर नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ओप्पो इंडिया का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड उसी के साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यार वहाँ पे अप्रॉक्स 3000 यूजर एक्टिव रहते हैं। जब भी कोई न्यू अपडेट आता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे यूजर रहते हैं तो काफ़ी सारा कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ आपके फ़ोन में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहा है ना वो आपको मे बी नेक्स्ट अपडेट के साथ में अपकमिंग अपडेट के साथ में फिक्स कर दिया जाएगा एंड ये अपडेट आपको मे बी मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ अगर बात करें ये अपडेट का नेक्स्ट बैच अपडेट हमारे डिवाइस के लिए कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, मतलब अभी भी काफ़ी सारे यूजर के डिवाइस में कलर रेजोल्यूशन 0.1 का अपडेट नहीं मिला, तो भैया ओप्पो F15 डिवाइस में कलर रेजोल्यूशन 0.1 का सेकंड बैच बीटा अपडेट अप्रॉक्स लास्ट फरवरी तक फिर से प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। बट यार उससे पहले 10 फरवरी के आसपास में कलरश की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट होगा, वहाँ पे एक ऑफिशियल शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से जहाँ पे कुछ ने मेंशन होंगे कि भाई जो नए नए डिवाइस हैं उनको कलर रेजोल्यूशन 0.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड करेंगे एंड फिर के साथ ही साथ हम सेकेंड बैच बीटा अपडेट ओप्पो F15, ओप्पो रेनो 10X जूम, रेनो 2F इन सभी डिवाइसों में प्रोवाइड करेंगे ओप्पो की तरफ से। एंड इसी के साथ ही साथ AOD यार ये तो दिमाग खराब करके रख दिया है क्योंकि भैया काफ़ी सारे कमेंट एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि यार AMOLED स्क्रीन वगैरह, मतलब यहाँ पे सब कुछ फीचर, यहाँ पे ओप्पो F15 में एक काफ़ी अच्छा महंगा फ़ोन भी है ओप्पो F15, बट फिर भी यहाँ पे सारे फीचर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है भाई ओप्पो, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो भैया आप फीडबैक शेयर करो या फिर आप हमें कहेंगे तो हम तो प्रोवाइड किए ही हैं, बट आप भी प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि जितना यहाँ पे फीडबैक जाएगा ओप्पो इंडिया को तो वहाँ पे लगेगा कि हाँ ये फीचर प्रोवाइड करना चाहिए ओप्पो F15 डिवाइस में, तो मे भी आपकी डिवाइस में अपकमिंग अपडेट के साथ में, वैसे भी एक बीटा अपडेट है, मे भी कुछ कारणवश यहाँ पे आपकी डिवाइस में ये अपडेट प्रोवाइड नहीं हुआ हो, इन फ्यूचर आपकी डिवाइस में मिल जाए कोई कन्फर्म नहीं है। एंड इसी के साथ ही साथ ओप्पो F11 एंड F11 प्रो डिवाइस में AOD का फीचर नहीं मिला है तो काफ़ी सारे यूजर वहाँ पे घबरा गए थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट किए एंड काफ़ी ज़्यादा फीडबैक वगैरह शेयर किए, बट ओप्पो ने ये फीचर प्रोवाइड नहीं किया।
बट भैया आपके डिवाइस में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट मे भी मिल सकता है। ट्राई करने में हमारा क्या हर्ज है, खाली बैठे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए एंड ओप्पो इंडिया को अपना फीडबैक शेयर कर दिए। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप अपने डायलर में जा करके *800# डायल करके वहां पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ओप्पो इंडिया को। एंड इसी के साथ ही साथ एट लास्ट मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके फ़ोन में जो भी बग हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर ओप्पो इंडिया को वो फीडबैक प्रोवाइड करो, क्योंकि ओप्पो इंडिया यही चाहता है। बीटा अपडेट का मतलब यही होता है कि भाई हमने आपको बीटा अपडेट के लिए अप्लाई करवाया या फिर अपडेट दिया, तो आपने अपने फ़ोन में क्या क्या इश्यू फेस किया वही बताओ, तो हम स्टेबल अपडेट में सब कुछ फिक्स करके देंगे ना। एंड आपके डिवाइस में मार्च 2021 में कलर 1.1 का स्टेबल अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। यार यहाँ पे मैं भी मेरे हिसाब से ओप्पो F15 डिवाइस रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज थी मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया एंड दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। एंड यहाँ पे आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वीडियो चले वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।